आज तीनों प्राणी मिलने के लिए जाते, धीरे धीरे काशी नगरिया में पहुंचे। काशी नगरिया में पहुंचे तो एक वैश्या आ गई। वैश्या आ गई तो रानी का भाव पूछा, कहा कि ये जो स्त्री है इसका भाव कितना है? तो विश्वामित्र ने कहा 20 भार स्वर्ण। वैश्या कहने लगी है कि कुछ कम नहीं होगा? कहा नहीं, एक भी पैसा कम नहीं, 20 भार स्वर्ण। आज रानी तारा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है? अगर इस वैश्या ने मुझे खरीद लिया तो ये ना जाने क्या क्या कार्य कराएगी मुझसे, ना जाने कैसे कैसे कार्य कराएगी, मेरा सतीत्व नष्ट करवा देगी, कोई भरोसा नहीं है इस वैश्या का। आज रानी तारा आंखों में आंसू भर के महाराज हरिश्चंद्र की आंखों की तरफ देख रही है और आंखों में आंसू भरे हैं। दोनों तीनों प्राणी रो रहे हैं, सोच रहे हैं आज कैसी विपत्ति आई है, कहां 56 प्रकार के भोजन खाने वाले आज दर दर भटक रहे हैं, न जाने कैसी लीला थी प्रभु की। आज उस वैश्या ने रानी को नहीं खरीद पाया क्योंकि 20 बार सोना वो वैश्या नहीं दे सकी। रानी की ये इच्छा तो चलो भगवान ने सुन ली कि वो वैश्या ने नहीं खरीद पाया। आगे बढ़े आगे बढ़े तो एक पंडित आए ब्राह्मण, तो उसने कहा कि इस स्त्री का मोल कितना है? कहा 20 बार सोना। और इस बालक का? कहा 20 बार सोना। और इस पुरुष का? इसका भी 20 बार सोना। जैसे ही ये कहा तो वो ब्राह्मण जो थी वो रोहितास को और नानी तारा को खरीद लेती है, दोनों को खरीद लेती है और ले जाती है। अब बचे हैं महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने अपना नाम छुपा करके, हरिश्चंद्र नाम किसी को नहीं बताया और हरिया नाम रख लिया, हरिया नाम रख लिया है। कहा इसका नाम क्या है? कहा हरिया। अगर वो हरिश्चंद्र नाम बता देते तो उन्हें कोई खरीदता नहीं क्योंकि वो दानवीर हरिश्चंद्र थे, उनका नाम बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम हरिया लिया था। इधर जैसे ही दोनों प्राणियों को खरीद लिया है उस ब्राह्मण ने, बचे हैं महाराज हरिश्चंद्र जो हरिया के नाम से जाने जाते हैं। इधर एक कलुआ मेहतर झाड़ू लगाता हुआ आता है, कैसे